हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हेल्थी रेनेटर्स के अंदर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में कि रेनेटर्स नोवा का रिजल्ट नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि रेनेटर्स नोवा का रिजल्ट उनको नहीं आ रहा। हम जब भी किसी इंसान से बात करते हैं या तो उससे पूछते हैं कि आपको रिजल्ट आया या नहीं आया, वो आपको हमेशा यही आंसर देगा कि रिजल्ट मुझे नहीं आया। बट हम कभी भी उस फैक्टर के ऊपर बात नहीं करते कि क्या उसने सही तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज़ करा, क्या उसने सही तरीके से पानी की कंजप्शन को पूरा करा, क्या उसने सही तरीके से डाइट को फॉलो करा, क्या उसने सही तरीके से जिन चीज़ों के बारे में मना किया गया था उन चीज़ों को रिप्लेस करके कुछ और चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट करा था। अक्सर ये चीज़ें हम नहीं पूछते और होता क्या है, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से हर एक इंसान रेनेटर्स नोवा को कंज्यूम करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाता है। रेनेटर्स नोवा के अंदर जो एक्सेट ऐड करेंगे उन सभी एक्सेट की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे मैंगोस्टीन आपकी स्किन को अच्छे तरीके से प्योर करने में काम करता है, उसी तरीके से अगर हम बात करें माका रूट आपके स्पर्म क्वांटिटी को इंक्रीज करने का काम करेगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सैबरिन जिनसिंग आपके सभी तरीके की कार्डियोवैस्कुलर परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिजिकल फिटनेस को और इम्प्रूव करता है, सभी तरीके के स्ट्रेस से आपको दूर करेगा, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, मनी का स्ट्रेस हो, फैमिली का स्ट्रेस हो, उन सभी स्ट्रेस से आपको अच्छी तरीके से बचाता है। मेनोपॉज हो गया, सेक्सुअल फंक्शन हो गया, फर्टिलिटी हो गया, लिबिडो हो गया, डिप्रेशन हो गया, इन सभी से आपको बचाएगा। साथ ही साथ डायबिटीज़ 2 के पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, क्योंकि डायबिटीज़ 2 के पेशेंट मैक्सिमम उनका जो लेवल होता है बहुत बढ़ जाता है और उसको कम करने की वो काफ़ी कोशिशें करते हैं, उसके कोशिशें करने के बाद भी वो कम नहीं कर पाते। बट सैबरिन जिनसिंग को यूज़ करने के बाद आप इस तरीके के बेनिफिट को क्रैप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करा गया एल्डरबेरी। एल्डरबेरी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट तो करता ही करता है, आपको कैंसर एड जैसे प्रॉब्लम से भी बचाता है। रिसर्च में यह पाया गया है विटामिन ई और विटामिन सी इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल कौन माना जाता है, एल्डरबेरी। एल्डरबेरी के अंदर ऐसे एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे जो कि आपके शुगर को, कोल्ड कफ, फ्लू को, साइनस इन्फेक्शन से हर जगह से आपको ये बचाता है। सो अगर आप इसका अच्छी तरीके से सेवन करेंगे तो बेनिफिट आप यहाँ से ग्रैब कर सकेंगे। इसके बाद आता है रेस्पबेरी। रेस्पबेरी एक अच्छी तरीके से SPF माना जाता है, इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और साथ ही साथ SPF 24 से लेकर 50 तक के एक्सेट इसके अंदर माने जाते हैं, जिनको यूज़ करके आप फाइट कर सकते हैं कैंसर से, हार्ट प्रॉब्लम से, सर्कुलेटरी डिजीज से, एज रिलेटेड इश्यूज से, गैलिक इश्यूज से, सभी तरीके की बीमारी से आप इसे फाइट कर पाएंगे। इसके बाद आता है ब्लैक करंट। ब्लैक करंट के नाम से आपको पता लग जाएगा कि ये अल्जाइमर, अर्थराइटिस, गाउट, लीवर प्रॉब्लम सभी को रिमूव करने का काम करता है और वुमेन्स को मेनोपॉज, पेनफुल पीरियड के अंदर या PMS में और डायरिया के अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। अब ये तो कुछ एक्सट्रैक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आता है सौर चेरी। सौर चेरी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज 2 के पेशेंट में या अर्थराइटिस पेन के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, पिगमेंट को हटाने का काम करता है और आपके ग्लूकोज मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से स्टेबल रखने का काम करता है। तो ये हो रहा है क्या सौर चेरी। गैनोडर्मा लूसिडियम एक बहुत ही अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट माना जाता है, जो आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल की कमी को पूरा कर देता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी जब आप सन में डेली एक्सपोजर करते हैं, जो टैनिंग आपकी बॉडी पे होनी होती है वो कम होती है, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल और पोल्यूशन बहुत कम आता है, इसके साथ ही साथ आपकी पूरी बॉडी सफ़र कम कर पाती है अस्थमा से और लंग की प्रॉब्लम से। जब आप इन सभी की प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता लग गया कि आज के रेट के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं अस्थमा की प्रॉब्लम से, लंग्स की प्रॉब्लम से और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा उनकी डेथ हो रही है, क्योंकि जिस एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं वो सही तरीके से साफ हवा को कंज्यूम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनके लंग्स को अच्छी हवा नहीं पहुंच पा रही है। आपका लंग्स एक फिल्टर की तरह काम करता है जो प्योरीफाई करके आपके अलग अलग सर्कुलेशन बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करता है, आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, तो आपका ब्रेन उसी तरीके से परफॉर्म करता है और आपके सभी बॉडी पार्ट को अच्छी तरीके से एक्शन पॉइंट करता है। जिस दिन उसका कनेक्शन वहाँ से कट हो गया और आपका सिग्नल या आपके लंग्स का सिग्नल ब्रेन के साथ कनेक्शन उसका टूट गया, देन वो
फिल्टर करके ब्लड सप्लाई उसको नहीं कर पाएगा, और जिस दिन ये प्रोसेस थम जाएगा उस दिन आपको हार्ट अटैक या अदर तरीके के सिम्टम आपको आएंगे और आपका ऑन द स्पॉट आपकी डेथ हो सकती है। बात करें सिगरू की, सिगरू को 4000 सालों से लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं। सिविलाइजेशन लोग इसको यूज़ करते थे अपने सभी तरीके की तकनीकों को ठीक करने के लिए, जिसमें एनीमा की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सिगरू बहुत ही सहायक है। सिगरू के अंदर ऐसे एनॉर्मस न्यूट्रन डाले गए हैं जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। सिगरू को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है जो कि कहने की आपको पॉल्यूशन के इफेक्ट से बचा सकता है। सिगरू को सप्लीमेंट की तरह से भी लोग यूज़ करते हैं, इसको सब्जी बना के भी लोग खाते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टाइटीज ऐड करेगी जिसके थ्रू आपकी आईसाइट, आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को और डाइजेशन सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है, और जितने भी टॉक्सिन आपकी बॉडी में ऐड है उन सभी टॉक्सिन्स को धीरे धीरे रिमूव करने का काम करती है। अब इस प्रोडक्ट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा डाइट प्लान चाहिए जिसको यूज़ करके आप अपने सभी बॉडी के अंदर उन सभी एरियाज़ को रिकवर कर सके रेनिट्रेस नोवा की मदद से। रेनिट्रेस नोवा सिर्फ ले लेना या कंज्यूम करना इट्स नॉट इनफ। रेनिट्रेस नोवा को लेने के बाद आपको अपनी एक्सरसाइज को और स्ट्रांग बनाना है और पंचुअल करना है, सही टाइम पे आपको खाना खाना है, सही टाइम पे आपको सोना, और उसके साथ ही साथ आपको एक डाइट प्लान को भी फॉलो करना है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज आपके इस परफॉर्मेंस को और एनहेंस कर देगा, जिससे दुगनी रफ्तार से आप अपनी पूरी बॉडी को या अपने गोल को जो आपने अचीव कर रखा है उस गोल को आप यहाँ से अचीव कर पाएंगे। सो इस तरीके से अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई पूछना चाहते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा नंबर दिया गया, इस पर आप कॉल करके सभी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है, ताकि आप हमारी टीम का पार्ट बन सके, और पार्ट बनने के साथ साथ हम आपको पूरी तरीके से हेल्प करें जिसके थ्रू आप अपनी पूरी फैमिली की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और साथ ही साथ कुछ पैसे भी अर्न कर सकें। सो आई होप इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, और रेनिट्रेस नोवा के बारे में जो 9 एक्सट्रेट के बारे में मैंने आपको बताया वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। एक इकलौती ऐसी कंपनी जो US बेस्ड के द्वारा सेटअप की गई है, और ताकि वो इंडिया के अंदर हर एक इंसान को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, जिससे हर एक इंसान यहाँ पे एक मिलियनर बन सके और एक ह्यूज इनकम को ग्रैब करके अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज कर सके। सो अगर आप इस तरीके का बिलीव रखते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों से शेयर करें जो कहने की अभी अपने लाइफ को लेकर, अपने प्रेजेंट को लेकर परेशान है, ताकि इस वीडियो को सुनने के बाद वो डेफिनेटली अपने लाइफ के अंदर कुछ बड़ा काम ज़रूर क्रिएट करना चाहेंगे और साथ ही साथ कुछ बड़ा खेलना चाहेंगे। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे अपनी टीम के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और इस तरीके के कंटेंट आपको डेली मिलते रहें। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।